केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जनसंघ के दौरान पक्ष को ब्राह्मणों का पक्ष कहकर बदनाम किया गया। जनसंघ के नेताओं को पत्थर भी मारे गए, इसलिए पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। गडकरी नागपुर में जनसंघ नेत्री सुमतीबाई सुकलीकर इनके स्मृति दिन पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। गडकरी ने बताया कि जनसंघ ने उस समय कई आंदोलन किए, संघर्ष किया, फिर भी पार्टी को सफलता नहीं मिली। उस दौरान इस पार्टी को सवर्णों की पार्ट, महात्मा गांधी जी की हत्या करने वालों की पार्टी कहा जाता था, इसलिए जनसंघ असफल होता रहा और चुनाव में जीत कर आना भी मुश्किल था। गडकरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा कि अभी भी हमारी सोच के बारे में लोगों में गलत धारणा है, यह गलत धारणा लोगों के मन से निकलनी चाहिए और इसके लिए हमें काम करना है। आमतौर पर विधायक सांसद होने के बाद कई नेताओं में बढ़तपन आ जाता है, लेकिन इस बढ़तपन को दूर रखकर कार्यकर्ताओं के साथ रहकर पार्टी के लिए काम करने की सलाह दी। उन्होंने सीए पर भी बात कही और इस पर काम करने के लिए निर्देश दिए। देश का माहौल इस समय डर शब्द में घूम रहा है। सीए के बारे में लोगों के मन में गलत धारणा है, सामान्य लोगों के मन में भ्रम फैलाया जा रहा है, इसके पीछे वोटो राजनीति है, लेकिन लोगों के मन से यह डर निकलना चाहिए, इसके लिए हमें बड़े पैमाने पर काम करना है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।